अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ से ही, दिन दहाड़े फायरिंग करने का मामला सामने आया है। मामले में इंस्पेक्टर मुरम्बा सतीश चंद्र साहू निलंबित किए गए हैं। दरोगा सतीश और मारूफ को भी निलंबित किया है। सीएम योगी ने मामले पर नाराजगी जताई थी। मुरम्बा थाना क्षेत्र का मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक बने हुए हैं। अशफाक, दिन दहाड़े फायरिंग के मामले में इंस्पेक्टर गुडम्बा सतीश चंद्र साहू को निलंबित किया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये मामला राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र का है। खबर ये मिली थी कि दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, और उसके बाद इसकी जानकारी न सिर्फ जो है गुडम्बा थाना अध्यक्ष और संबंधित भीड़ जो दरोगा है उनको थी, बल्कि उच्च अधिकारियों को थी। उच्च अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया था गुडम्बा थाना अध्यक्ष को, लेकिन इतनी हीला हवाली की गई, इतनी की मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, और जब बैठक हुई अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की, तो उन मुख्यमंत्री ने इस पर काफी नाराजगी जताई। उसके बाद जो है लखनऊ जो पुलिस कमिश्नरेट है वो एक्शन में आया है, और खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि थानाध्यक्ष को निलंबित करके, दूसरे को निलंबित करके अवगत कराया जाए मुख्यमंत्री कार्यालय को, और साथ ही जो आगे ऐसी कार्रवाई ना हो इसकी भी जो है तब्दील की जाए। दरअसल अलग अलग राज्यों में जो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी सख्ती का असर है कि थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही पीड़ दरोगा और सिपाही को भी निलंबित किया गया है। और ऐसी जो है जो अगर घटनाएं आगे भी कहीं आती है तो उनसे सख्ती से पेश आने के लिए आदेश दिया मुख्यमंत्री ने। जी जी अशफाक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।